अमरोहा गंगाधाम तिगरी में शासन की अनुमति के बाद लोगों ने किया दीपदान। यूपी में अमरोहा जनपद के गंगाधाम तिगरी में लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले को कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही दीपदान पर भी रोक लगाई गई थी, लेकिन बाद में यूपी सरकार ने दीपदान की अनुमति दे दी थी। रविवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक श्रद्धालुओं ने गंगा जी में दीपदान किया। अमरोहा के तिगरी धाम पर लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले पर कोरोना वैश्विक महामारी की गाइडलाइन के मुताबिक श्रद्धालुओं को दीपदान की अनुमति दी गई। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए था। इस दौरान किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए गंगा घाटों पर पीएसी और गोताखोरों की भी तैनाती की गई। कोरोना महामारी के चलते गंगा में स्नान करना प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन दीपदान के लिए जनता को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए करने की अनुमति दी गई थी। प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक रविवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ही दीपदान की सरकार ने अनुमति दे रखी थी। कि आज तिगरी धाम में जो दीपदान की अनुमति सरकार और जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई है, उसमें जो हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए 2 से 6 बजे तक का समय नियत किया गया है दीपदान के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग और COVID-19 का जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन कराते हुए यहाँ ये व्यवस्थाएँ प्रशासन द्वारा कराई गई हैं। जो भी लोग आ रहे हैं सबसे अपील की जा रही है कि मात्र आप यहाँ पर दीपदान करें और अपने जो धार्मिक मान्यताओं के आवश्यक कार्य हैं और जल आचमन करके अपने अपने घर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग आपस में बनाए रहें, भीड़ भाड़ ना लगें। इसके लिए यहाँ पर पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, 3 जोनल मजिस्ट्रेट और 8 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, ताकि आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो और हम लोग यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करा पाएँ।